नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए यहां पे लिखा, आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनुअम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ठीक है, इसमें लिखा है कि मैंने 12,000 रुपीज जमशेद से बोरो लिए यानी उधार लिए, और जो रेट लगेगी इंटरेस्ट की वो 6% होगी, और टाइम जो लिया मैंने 2 ईयर्स के लिए लिया। अब इसमें आगे लिखा, हैड आई बोरोड दिस सम्स एट 6% पर एनुअम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। इसमें लिखा, यदि मैंने यही पैसे यानी 12,000 और रेट तो वही है और 2 ईयर के लिए अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिए होते जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो मुझे कितना पैसा ज़्यादा पे करना पड़ता, ये इसमें लिखा है। तो सबसे पहले बच्चों हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और उसमें फिर हम देखेंगे कि किसका कंपेयर करेंगे, किस में अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट कितना अमाउंट। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर सेम अमाउंट सेम रेट से सेम टाइम के लिए लिया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा ही बनता है, लेकिन कितना ज़्यादा बनता है ये हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसको, मैं इधर रख लेता हूँ, हम इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले प्रिंसिपल जो है वो इसके अंदर है 12,000 रुपीज। ठीक है, इसमें जो रेट लगी है वो है 6%, और टाइम जो इसमें गिवन है बच्चों वो है 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, वही प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, 20 से 20 हम इसमें कर देते हैं। आप देखिए, हाँ ये हम करते हैं 120 को मल्टीप्लाई करना 6 × 12 से। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा 12 को 12 से, ये जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, 12 को 12 से करते हैं तो 144 आता है। जी हाँ, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है बच्चों, ये सिंपल इंटरेस्ट बन गया। अब इसमें लिखा, यदि यही मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिया होता तो कितना अमाउंट मैं ज़्यादा देता। आइए हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट निकालेंगे पहले, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करना है। ठीक है, आइए देखते हैं फॉर्मूला, पी 1 प्लस रेट बाई 100 और यहाँ पर टाइम, जो प्रिंसिपल है वो 12,000 है और 1 प्लस रेट है अपनी 6 बाई 100 और टाइम है अपना 2 ईयर। ठीक है बच्चों, आइए इसको करते हैं, तो 12,000 इसके नीचे 1 मान लीजिए, काटो मत, इसको यूँ का यूँ कर लेते हैं, तो 100 और 1 का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 100 को 1 से डिवाइड किया 100 पे जाएगा, 100 बन जा 100 और 100 को 100 से किया 1 पे, 1 6 जा 6। ठीक है बच्चों, ये देखिए अभी हमें फाइंड आउट हो जाएगा कितना इंटरेस्ट हम ज़्यादा दे रहे हैं। 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 106 बाई 100, 2 पावर है तो 2 टाइम्स इसको लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, 20 से 20 काट दीजिए, 10 से 10। अब देखिए 106 को 106 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 12 से करना। आइए मैं इधर मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितना आता है। 106 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 0 से। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करने तो बच्चों उतना ही आता है जितना डिजिट लिखा होता है, 6 3 6 6 12 और 1। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, 12 से भी मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है बच्चों, 1 से 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। आइए 2 7 प्लस 6 13 कैरी 1 4 प्लस 3 7 1 8, 4 2 और 1 3 और 1। ठीक है बच्चों, ये आ गया, मैं इधर लिख लेता हूँ 1 3 4 8 3 2।
और नीचे 10, 10 से डिवाइड करना है। तो अब देखिए इसमें 10 तो पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 134832 यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया 13483 रुपीज़। तो बच्चों अब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मैंने जो बताया है कि अमाउंट में से जो ये अमाउंट बन गई, इसमें से हम क्या करना, माइनस उसको प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल है 12,000, ठीक है बच्चों। आइए मैं इसी में 12,000 को माइनस कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे लिख के, ठीक है 12,000। ये देखिए तो ये 3841 ये आ गया। तो अब देखिए इसको माइनस किया तो 1483.2 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया और सिंपल इंटरेस्ट दिया 1440। तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़्यादा दिया तो वो हमें फाइंड आउट करना है। आई पेड मोर इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। इसमें से हम इधर माइनस कर लेते हैं, माइनस 1440, ठीक है। मैं इधर माइनस करके दिखाता हूँ, ये देखिए इसी में से कर लेते हैं 1440 0028 में से 4 गए 4, तो ये आ गया 43.20। मैंने जो दिया कंपाउंड इंटरेस्ट 43 रुपीज़ 20 पैसे एक्स्ट्रा दिया। बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।